आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आपको सबको पता होगा, बताओ। अरे बोल दो। अरे आप चार की बात कर रहे हो, दो दुखाई एक साथ बैठी हो, चुप हो जाए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लड़के इन चीजों को कम नोटिस करते हैं, मुझे आपका पता नहीं, मैं बहुत नोटिस करती हूँ। सुनना एक बात, आपके घर कोई आए या आप किसी के घर जाओ, आपके घर कोई आए तो आप किसी के घर जाओ और वो आपसे बात ना करके आपस में बात करता रहे, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? आप भी तो वही कर रहे हो। आपने बाबा को उतने प्यार से बुलाया है, वो सारे काम धाम अपना खाटू का इतना सुंदर दरबार छोड़ के आज आपके मेरठ में आया किस लिए? ताकि आप लोग अपने गॉसिप में लगे रहो। क्या फायदा मेरे इतना सुंदर दरबार से रहने का? मंडल वाले तो 50 जन अकेले भी बैठ के कीर्तन कर लेते हैं, क्यों उन्होंने इतना बड़ा दरबार लगाया? आपके लिए लगाया ना, और इसलिए लगाया कि आप दरबार आओ तो भजन गाओ, इसलिए नहीं कि यहाँ पे भी आके आपकी आपस की बातें शुरू हो जाए। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, बहुत सारे लोग ऐसे। प्रीति मैडम के काम हो जाएंगे आंटी जी, आपके काम नहीं होंगे। देखो माफ करना, मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, लेकिन चीनी खिला खिला के डायबिटीज कराने से अच्छा है कि मैं आपको नीम खिला के आपका खून साफ करवाऊं। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे हमेशा इंसान को बच के रहना चाहिए, और मैं आपको मीठा मीठा बोल के आपका नुकसान कराऊं, ये बात, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। मंडल वालों ने कीर्तन इसलिए नहीं कराया कि आपका यहाँ पे नुकसान हो, मंडल वालों ने इतना सुंदर दरबार जो सजाया ना वो इसलिए कि आप दरबार में बैठो तो आपका भी उनके साथ साथ भला हो जाए। क्यों भैया? इसीलिए किया है ना, वरना 50 जन आप भी कीर्तन कर रहे। क्या दरकार थी इतना बड़ा दरबार सजाने की? क्या दरकार थी इतना श्रृंगार कराने की? आपके लिए दरबार लगाया गया है और आप भी आराम से बात किए जाए, और छोड़ो ना 5 मिनट रहो ना दरबार में, और फिर मैं बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि रेशमी शर्मा बोलती है। एक बंदा लिख रहा है, हाय अच्छा डालती हो गाना एक साथ। वो कौन है जिसने मोटी पहचान है, कोई यार नहीं वो खाटू वाला शाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला शाम है। जिसकी रहमत से होता है एक काम है, जिसकी रहमत से होता है एक काम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला शाम है। वो कौन है
देखते ऐसे की जो दुनिया में कहीं नहीं चलते। आपको जाना है, जाना है। देखो मैं भजन रोक देती हूँ, आप चले जाओ। अच्छा इसको क्या कहते हैं पता है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। भाई साहब आपको डूबने का शौक है तो आप डूबो ना, जब नहीं डूबना चाहते उसको क्यों पैर पकड़ के डुबा रहे हो?
तेरे नाम से शुरू। अच्छा मंडल वाले कहाँ गए? सारे के सारे आगे आगे, आप लोग सारे ये रैंप पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाइए सब के सब आइए, और खड़े होने के लिए नहीं हुई, इधर बैठने के लिए आइए, आइए आइए। हाँ हाँ बिल्कुल बैठिए सब के सब, बैठा दो। मैंने तो पहले ही कहा था स्टेज मत बनवाना, अब आपने बनवाया तो बैठो बैठो सब के सब बैठो, खड़ा किसी को नहीं ना बैठो। मेरी प्रायोरिटी नचाना नहीं, मेरी प्रायोरिटी कमाना होती है। ठाकुर जी आप ही बैठो, सुना दो भैया सब थोड़ा। हाँ किसने बोला, कौन कह रहे हैं? अच्छा आप बोल रहे हैं, सुना दीजिए बैठ। आप लोगों के इलाके से कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल लूँ? पक्का बोल लूँ? अच्छा समझना वही जो मैं कहना चाहती हूँ, अपने हिसाब से उसका मतलब मत लगा लेना, क्योंकि आजकल ये भी बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, 5 फुट 8 इंच की हाइट है, दिख जाएगी लोगों को। क्या कहा अभी? जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो, मेरी जिंदगी का मेरा जाम हो गया, वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने। आपको पता है गलतियां हमारी होती है, और थोपते बाबा पे पूछिए कैसे। जीवन में कुछ अच्छा होता है उसका धन्यवाद देने के लिए हिंदी के लोग जाते होंगे इसके पास, हाँ बाबा हमारे जीवन में ये जो खुशियाँ आई हैं, हमारे जीवन में ये जो अच्छा काम हुआ है, ये सब आपकी कृपा की बदौलत है, वरना हमारी कोई औकात नहीं थी। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो आप देखो बुला दे बाबा, कौन सी गलती कर ली थी, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि आपने ये सजा दे दी और ये वो 50 बातें। पता आपको गुनाह कहाँ करते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं? बस यही बैठे बैठे एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो आपको छोड़ के नहीं गया, इस सर्दी में आपने उसको खुले दरबार में रखा है, आगे जोत जलाते, वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन एक एक करके यहाँ से कोई उधर से उठ के जा रहा है, कोई उधर से उठ के जा रहा है, कोई उधर से उठ के जा रहा है, और वही इंसान बाद में कहते हैं कि बाबा जब हमने बुलाया तो बाबा नहीं आएंगे, क्यों आएगा क्या कर रहे हो आप? क्या आपके लिए आएगा वो? ऐसा कौन सा तीर मार दिया आपने? ऐसे कौन से बड़े कर्म कर दिए? अरे हम 4 दिन दरबार सजाते तो दुनिया में कॉलर ऊंची करके घूमते कि ये दरबार हमने सजाया है। ऐसे ऐसे पागल प्रेमी है जो हर दिन 31 निशान लेके जाते हैं, और कोई उनको ये नहीं कहता कि हाँ इसने ये किया। उनके पास क्यों नहीं जाएगा जो आपके पास आएगा? आज एक मेरे जानकार थे, उनका फोन आया मेरे पास, और बात करते करते उन्होंने मेरे को क्या बोला है, रेशमि जब तुम गाती है तो तुम अपने लाइव वीडियोस देखती है? मैंने बोला हाँ। तो बोले तेरे को कुछ अजीब नहीं लगता? मैंने बोला क्यों? तो तेरे को लगता नहीं तू गाते गाते थोड़ा मतलब गुस्से में आ जाती है, या तेरा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को बुरा लगे? मैंने बोला बुरा लगे तो लगे, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? अगर यहाँ पे एक भजन गायक, यहाँ पे अगर हमारे नरेश जी बजाते बजाते मोबाइल चलाने लगे तो 4 दिन अगले दिन फेसबुक पे अपडेट आ जाएगी कि भैया नरेश जी ने मोबाइल चलाते चलाते ये गलत धुन बजा दी, रेशमी मोबाइल चलाते चलाते भजनकारी आजकल के सिंगर ऐसे हो गए हैं, लाइव पहले करते हैं कीर्तन वगैरह करते हैं, और आप नीचे बैठ के जो बेईमानी करते हो उसका क्या? सारे नियम कानून हमारे लिए, सारे नियम कानून हमारे लिए। हम पागलों की तरह 3-3 घंटे माइक पकड़ के यहाँ चीखते रहते हैं भजन गाओ भजन गाओ भजन गाओ, कौन सा आपका बैंक बैलेंस हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा भाई साहब? आप गाओगे तो आप गाओगे बाबा, आपकी सुनेगा, हम गा रहे हैं हमारी सुनेगा। और फिर कहते हैं आजकल के सिंगर प्रोफेशनल हो गए, अरे प्रोफेशनल होते तो 2 घंटे के बाद घड़ी दिखाना चालू कर देते कि भैया हो गया हमारा टाइम, हो गया हमारा काम।
घंटे गाते हैं और इस उम्मीद से गाते हैं कि शायद आप भी गाओगे, और आप जब तक नहीं गाओगे तब तक कोई भी ऐसा यहाँ पे इंसान नहीं है जो खड़ा करके दरबार में आनंद बटस्वाद लिखवा लो मेरे से। जब तक आप नहीं चाहोगे दरबार में आनंद नहीं आएगा, करो बाबू आते और करवा लो दरबार में आनंद, यहाँ पे रुचना होना। अगर दरबार में आनंद चाहते हो कि दरबार सजे, तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, आपका भी, उनका भी, उनका भी और हमारा भी। हम अपना दे रहे हैं, वो अपना दे रहे हैं, आप कम से कम अपना तो दो। अब बताओ ईमानदारी से जितनी देर भजन गाए कौन कौन गाएगा? हाथ नीचे रखो, जरूरी नहीं है कि हाथ उठा के तालियां बजे, हाथ नीचे रहे, तालियों की सेवा होती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और जिनको भी जाना है उनको कसम लगाना कि अभी चले जाओ, बीच में उठ के हाथ जाना। बाबा आपने जितना दिया है उसके बदले में हम इतना भी नहीं दे सकते, सिर्फ इतना करेंगे। कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां, एक अनजाने के वास्ते, एक अनजाने के वास्ते क्या कहानी किया। शब बहुत सारी फरमाइशें हैं, ये पूरा तो नहीं।
थी, लेकिन एक भैया ने बोला था तो हाँ उसके लिए। इस भजन की जो सबसे बड़ी बात है मैं वो सुना देता हूँ, जो आप हम या दरबार से जुड़ा हर श्याम प्रेमी चाहता है। क्या निकली जब ये प्राण तन से मुख पे तेरा नाम हो, गाते गाते भजन तुम्हारे इस जीवन की शान हो, इससे ज्यादा बालक तेरा और मांगत क्या करे, और मांगत क्या करे, डरती राना छूटे बाबा, डरती राना छूटे बाबा, और चाहत करे सांस टूटे तू न रूठे, बस यही प्यार दिलवाया आप सारे श्याम प्रेमियों का, आप सारे श्याम प्रेमियों का जो सबसे पहला प्यार मुझे मिला था जिस भजन पे मिला था वो सुनाती हूँ। हमारे संजय भैया काफी देर से कह रहे हैं चलिए सब मिलके गाए। अब मैंने क्या कहा कि हमें जो दुनिया ने दिया हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए ताकि आगे ठोकरे ना लगे, हालांकि जब तक ठोकर नहीं लगती वो क्या है ना फेसबुक पे बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, तो वही चीज। जिन नजरों को एक आंख लगाना था करते थे जब मैं दिख जाता, आपने कृपा करी बाबा आपने सुनते हाथ रखा अर्थ ऐसे बदले अब वो ही गजे लग कर अपनापन जताते अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते जब कोई नहीं आता वो मेरे लिए आया है तो मैं गा रही हूँ, आपके लिए आया है तो आप भी उठाओ दो हाथ और गाना, कहते ना जिसकी खाओ बाजरी उसकी लगाओ हाजरी, उठाओ दो हाथ और बुलंद आवाज में मिल के कहना दुनिया को रोती हुई इतने लोगों के लिए आया है तो आवाज वैसी होनी चाहिए ना कि जिनके भाव ना भी जुड़े उनके भाव
और जब जाता है तो सब कुछ लेके चला जाता है। बड़ा पुराना गाना था ना, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा। जब तक आपके जेब में पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे। आजकल इंसान की सीरत से ज्यादा कीमत उसकी सूरत की होती है। आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपका जूता किस ब्रांड का है, आपकी घड़ी किस ब्रांड की है, इस बातों से आपकी औकात नापी जाती है। जबकि औकात तो किसी की कुछ है ही नहीं, हम तो उसकी भीख में पल रहे हैं। चाचा आप बैठ जाओ, इनको बैठा दो। मतलब से सभी यहाँ रिश्ता निभाते, मतलब से सभी यहाँ रिश्ता निभाते।